आज हमने स्ट्रीट स्टाइल एकदम क्रिस्पी और करारा मसाला दाल वड़ा बनाया है। बहुत ही कुरकुरा और एकदम क्रिस्पी बनता है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल एकदम क्रिस्पी और टेस्टी मसाला दाल वड़ा। 250 ml कप का माप से एक कप चना दाल ली है। ये 200 ग्राम चना दाल है। इसे दो से तीन बार पानी से धो लिया था और चार घंटे के लिए इसे भिगो के रखा था। और आप देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छे से भीग गई है। मिक्सर जार में पहले मसाले डाल देते हैं। दो हरी मिर्च, इसे हम तोड़ के डालेंगे। एक इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे रफली चॉप करके डाल देंगे। छोटी साइज की 10 से 12 कली लहसुन की। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, इसे तोड़ के डालेंगे। दो कश्मीरी लाल मिर्ची, आप नॉर्मल मिर्ची भी ले सकते हैं, सूखी वाली। दो स्ट्रिप करी पत्ता और 20 काली मिर्च ली है। एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून सौंफ, एक चौथाई टीस्पून हींग। मसाले को एकदम दरदरा पीस लेते हैं, कोर्सली पीसना है। मसाले को मैंने दरदरा पीस लिया है। चना दाल में से दो बड़ा चम्मच चना दाल हम निकाल लेते हैं। ये लगभग एक चौथाई कप जितनी चना दाल हमने निकाली है। मिक्सर जार में डाल देंगे। मसाले को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, ऊपर डाल देंगे। मिक्सर को हम रुक रुक के चलाएंगे और दाल को एकदम कोर्सली पीसना है। बारीक पेस्ट नहीं बनानी है, इसे हमें रफली ही क्रश करना है। दाल को मैंने एकदम रफली क्रश किया है। मिक्सर को हम रुक रुक के चलाएंगे तो इस तरह से ये कोर्सली हम पीस सकेंगे और कंटिन्यू चलाएंगे तो एकदम बारीक पेस्ट हो जाएगी। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। दाल को मैंने बाउल में निकाल लिया है। एक टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। दाल हमने रखी थी अलग से, दो बड़े चम्मच। एक टेबलस्पून चावल का आटा, चावल का आटा डालने से वड़ा कुरकुरा बनेगा। एक मीडियम साइज की प्याज बारीक चॉप की है, ये आधा कप जितना है प्याज। बहुत सारा हरा धनिया, आधा कप जितना हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे टेस्ट करके देख लेना है, अगर नमक आपको कम लगे तो आप एक चौथाई टीस्पून जितना नमक और डाल सकते हैं। एक टेबलस्पून तेल को एकदम गरम किया है, ये गरम तेल डालेंगे। चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। लड्डू बनाते हैं इस तरह से, इसका बॉल बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा बड़ा बॉल बनाएंगे, हथेली में रख के इस तरह से इसे फ्लैट कर लेंगे। किनारी थोड़ी फटेगी तो इसे बराबर कर लेना है। इस तरह से थोड़ा फ्लैट वड़ा बनाएंगे। इस तरह से सभी वड़े तैयार कर लेते हैं। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा डाल के देख लेंगे गरम हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं एकदम धीरे से ये ऊपर आ रहा है। इस तरह का ही तेल हमें गरम चाहिए, मीडियम गरम तेल हमें करना है। वड़ा अंदर डाल के फ्राई कर लेते हैं। धीरे से अंदर तेल में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट इसे ऐसे ही फ्राई होने देना है, इसके बाद इसे पलटना है। मैंने 2 मिनट इसे फ्राई किया है, अभी इसे हम पलट लेंगे। दूसरी साइड पे भी इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। वापस एक बार इसे पलट लेंगे। अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है, ताकि अंदर से भी अच्छे से ये कुक हो जाए। और मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसे उलट पलट के 5 से 6 मिनट तक फ्राई किया है और आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से सारा तेल हम निकाल के वड़ा को बाहर ले लेंगे। इस तरह से बाकी का वड़ा भी फ्राई कर लेते हैं। स्ट्रीट स्टाइल कुरकुरा और एकदम करारा दाल वड़ा रेडी है। दाल वड़ा बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है,
कि भिगोई हुई दाल को स्ट्रेनर में निकाल के आप 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दे तो उसका सारा पानी निकल जाएगा। और जब भी हम दाल को क्रश करते हैं तभी उसमें जरा सा भी पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही इसे एकदम कोर्सली दरदरा इसे पीसना है। रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।